दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो दवाई हमारे सेहत को ठीक करने के लिए बनाई गई है वही दवाई हमारी जान भी ले सकती है ओवरडोज होने के कारण। अकॉर्डिंग टू WHO, थाउजेंड ऑफ पीपल यानी हर साल हजारों लोग ओवरडोज या मेडिसिनल एरर के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों जानते हैं दवाइयों के ओवरडोज के बारे में बड़ी गहराई से इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि ओवरडोज होता कैसे और ये हमारी बॉडी पे कैसे असर डालता है और आप अपने प्रियजनों को ओवरडोज होने से कैसे बचा सकते हैं। ओवरडोज तब होता है दोस्तों जब आप किसी दवाई को ज्यादा मात्रा में ले लेते हो या जरूरत से ज्यादा ले लेते हो, आइदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप जानबूझ के ले रहे हो या गलती से ले रहे हो। बट हियर्स द ट्विस्ट, नॉट जस्ट ओनली इलीगल ड्रग्स, इवन कॉमन मेडिसिन लाइक पैरासिटामोल, कफ सिरप और स्लीपिंग पिल या एंटीबायोटिक जैसे कई दवाइयां ऐसी होती है जिनका ओवरडोज होने के कारण ये आपके जान को खतरा बन सकती। दोस्तों बहुत से ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसका ओवरडोज होने के कारण आपके हेल्थ पे वो बुरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक पैरासिटामोल के 8 गोलियां अगर एक साथ खा लेते हो ये सोचकर कि बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा, तो ये बहुत ही डेंजरस थिंकिंग मानी जाती है। कोई कोई लोगों को लगता है कि नींद अच्छी आने के लिए या नींद जल्दी आने के लिए एक्स्ट्रा स्लीपिंग पिल्स लेना हमारे लिए अच्छा होगा, पर ये भी दोस्तों बहुत ही बुरा हो सकता है आपके हेल्थ के। मिक्सिंग पेन किलर्स विद अल्कोहल, जी हाँ दोस्त, बहुत से ड्रिंकर्स ओवर स्मार्ट होते हैं, वो अल्कोहल के साथ पेन किलर मिक्स करके इनका इंटेक करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इसका रिग्रेट उन्हें यहाँ नहीं होता बल्कि ऊपर जाने के बाद होता है। और सबसे कॉमन गलती दोस्तों जो ज्यादातर लोग करते हैं, रीडोसिंग, जिसका मतलब है दोस्तों एक ही दवाई को बार बार लेना, जिसमें आप सिर दर्द की गोली लेते हो और अगर आपको आराम नहीं हो तो आप और एक गोली खाते हो यह सोचकर कि शायद पहली वाली गोली का असर नहीं हुआ होगा, और ऐसे स्मॉल डिसीजंस आपके ऑर्गन फेल्यूर या कोमा या तक की मौत का कारण भी बन सकती है। मेडिसिन लाइक पैरासिटामोल जैसी दवाइयां आपके लीवर में ब्रेकडाउन यानी विघटित हो जाती है। ज्यादा ओवरडोज होने से आपका लीवर ओवरलोड हो जाता है और लीवर ओवरलोड हो जाने से लीवर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली टॉक्सिसिटी बढ़ने के कारण आपको लीवर फेलियर जैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों पेन किलर्स लाइक डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन अगर आप एक्सेस अमाउंट में ले लेते हो तो आपके किडनी डैमेज होने के चांसेस भी बहुत ही बढ़ जाए, और इसके सिम्टम्स में आपको वोमिटिंग, कंफ्यूजन, स्किन का येलोइश होना, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और सीडेटिव्स लाइक स्लीपिंग पिल्स या एंटी एंग्जायटी जैसी दवाइयां आपके ब्रेन को स्लो डाउन कर सकती है, और कुछ कोल्ड मेडिसिन लाइक सर्दी की दवाई आपके हार्ट को ओवर स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण दोस्तों आपको इररेगुलर हार्ट बीट या कार्डियक अरेस्ट जैसी खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरडोज होने के कारण आपके रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जिसमें आपको अल्टीमेटली ब्रीथिंग यानी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ओवरडोज होता कैसे है। तो ओवरडोज कई बार जानबूझ के नहीं होता, वो कभी कभी एक्सीडेंटली भी हो जाता है, यानी गलती से आप किसी दवाई को ज्यादा ले लेते हो जिसके कारण आपको आपके बॉडी को बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। लाइक ड्यू टू सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवाइयां ले लेना, अगर आपका सिर दर्द होता है तो आप कई बार खुद से ही दवाइयां ले लेते हो, लाइक डिफरेंट वेराइटीज की मेडिसिन आप एक साथ ले लेते हो, जिसकी वजह से आप ओवरडोज का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है दोस्तों मिक्सिंग ऑफ ड्रग, जिसमें कई लोग मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेडिसिन एक साथ ले लेते हैं विदाउट उसके इंटरेक्शन को जाने बगैर। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्लीपिंग पिल्स के साथ कफ सिरप ले लेंगे, बट ये बहुत ही डेडली कॉम्बो हो सकता है आपकी। तीसरा है दोस्तों डबल डोसिंग, जिसमें लोग मेडिसिन को डिफरेंट फॉर्म में लेते हैं, लाइक टैबलेट के साथ सिरप भी ले लेंगे विदाउट उसकी इफेक्ट को जाने। होता है दोस्तों मेंटल हेल्थ क्राइसिस, बहुत से बार दोस्तों होता ये है कि लोग डिप्रेशन में होने के कारण या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस में होने के कारण इंटेंशनली यानी जानबूझ के दवाइयों का ओवरडोज कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शराबी डिप्रेशन में आकर पूरी बोतल एक साथ खाली कर लेता है। दोस्तों आए दिन इंडिया में ओवरडोसिंग समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, बिकॉज इंडिया में ऐसे कई मेडिकल शॉप है जहाँ विदाउट एनी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बहुत से मेडिसिन इजीली अवेलेबल होती है। बट इससे भी खतरनाक बात तो ये है दोस्तों कि ज्यादातर लोग दवाई के डोज को समझ ही नहीं पाते।
अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 52% ऑफ पीपल इन अर्बन इंडिया शहरों में रहने वाले 52% लोग खुद अपने मन से दवाइयां लेते हैं विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। दोस्तों अगर आपको दवाइयों के ओवरडोज के कारण होने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं से बचना है तो आपको हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना पड़ेगा। कभी भी आपको एक दूसरे की मेडिसिन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है क्योंकि वो मेडिसिन उसके लिए जो काम करती है वो आपके लिए अपोजिट भी काम कर सकती है। हमेशा दवाइयों के लेबल्स को रीड करना है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली बच्चों की दवाइयां और कुछ कॉमन ड्रग। अवॉइड अल्कोहल व्हेन ऑन मेडिकेशन, जब भी आप दवाई लेते हो तब आपको अल्कोहल का इंटेक कभी नहीं करना है और वैसे भी नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको दवाई के डोज के बारे में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप सीधा डॉक्टर को कॉल कर सकते हो या पॉइजन हेल्पलाइन को भी कॉल करके पूछ सकते हो दवाई का करेक्ट डोज। अगर कोई दवाई का ओवरडोज कर लेता है तो उसे जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना चाहिए विदाउट एनी समय को बर्बाद किए, क्योंकि हर एक सेकंड जरूरी है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ H1 या X ड्रग के लिए आपको लीगल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों इन्हें विदाउट एनी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कई बार बेचा जाता है। कई मेडिसिनल शॉप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ऐसी मेडिसिन बेचते हैं चंद पैसों के खातिर। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ अगर मेडिकल निग्लिजेंस यानी चिकित्सक लापरवाही के कारण किसी पेशेंट की जान जाती है तो वो दंडनीय अपराध माना जाता है। दोस्तों बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इलीगल दवाई बेचने पर फार्मासिस्ट के ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है, बिकॉज मेडिसिन इज लाइफ सेविंग मिरेकल। अगर इसको सही तरह से यूज करते हो तो यह आपकी जान बचा सकती है और अगर इसका मिसयूज करते हो तो आपकी जान ले भी सकती है। दोस्तों इसीलिए दोस्तों चलिए ऐसा कल्चर बनाए जहाँ हम खुद को एजुकेट करेंगे और प्रोफेशनल डॉक्टर्स पे भरोसा करेंगे, लॉ को इम्प्रूव करने की डिमांड करेंगे और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। बी स्मार्ट बी सेफ दोस्तों, बिकॉज आपकी हेल्थ खतरे से या ठीक होने से सिर्फ एक डोज पीछे है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ओवरडोज से होने वाली समस्याओं से लोग बच सकें। और कमेंट करें दोस्तों ऐसी मेडिसिन जिसको लेने में आपको डर लगता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर लाइफ सेविंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस इन योर फील्ड।